ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। हम लोग जा रहे थे यहाँ से एप्पल वैली, और ये सारे एप्पल के पेड़ लगे ना सारे भैया। एप्पल वैली आगे मिलेगा ये एप्पल वैली क्योंकि इसको कहते हैं, इसलिए यहाँ एप्पल के पेड़ लगे हैं सारे। ये जूस निकल रहा है, फ्रेश एप्पल है ये, और एप्पल का जूस निकल रहा है। तो ये है एप्पल का बगीचा। हमारी पार्टी हो रही है कि इसमें ये सारी सीढ़ियां हैं। अब मैं जा रही हूँ एप्पल के बगीचे में, और ये एप्पल का बगीचा है। तो हम लोग हैं एप्पल वैली में, यहाँ पे हो रहा है फोटोशूट, और ये लोग एप्पल वैली में छोटे छोटे एप्पल्स। दीदी थोड़ा पकड़ के दिखाना, एप्पल पास है कच्चे वाले। ये आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये एप्पल ऐसे कितने पास पास में लगे हुए हैं। ये है एप्पल्स। एप्पल का वैली में एप्पल का पेड़ ना दिखाएं ये तो मुमकिन ही नहीं है आपको। खूबसूरत एप्पल वैली, और कश्मीर के लिए जो एप्पल्स के लिए फेमस है। तो अभी सीजन इसका अगस्त में होता है, तो अभी कच्चे हैं, अभी उतने ज्यादा नहीं हो पाए। रुकिए यहाँ पे एप्पल का जूस पीने के लिए। रंजन एप्पल जूस, फ्रेश एप्पल जूस, सेब का तुरंत निकाला हुआ, और भी है लोगों की, हम एक बार एप्पल जूस भी पीकर देखें। हम लोग अब एप्पल वैली से निकल चुके हैं, और ये बहुत फेमस जगह है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एप्पल्स के ही बाग हैं, पूरी खेती एप्पल्स की होती है। यहाँ के एप्पल इतने फेमस हैं कि ये वर्ल्ड फेमस हैं, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं बहलगाम की तरफ, और अंदर जाके बेताब वैली, आरू वैली और चंद्रवाणी जाएंगे। लेकिन वहाँ जाने से पहले हमें अपने कन्वेंस को छोड़कर वहाँ का टूरिज्म वाला कन्वेंस ही लेना पड़ेगा। तो मिलते हैं वहीं पर पहुँच कर आपसे। लोग आए हैं टूल और ट्रेवल्स में, यहीं तक आती है अपना साधन। यहाँ से आपको कन्वेंस करना पड़ता है आगे आरू वैली, और अगर दो चार पॉइंट्स हैं पहलगाम में देखने के लिए तो यहाँ पर आपको मेन गेट के बाद आगे बढ़ना पड़ता है। चिल्ड्रन ट्रेवल्स में आपको ये रेट है गाड़ी, अपने अकॉर्डिंग आप गाड़ी और रेट देख सकते हैं। तो हम लोग साइट सीन, फुल साइट सीन के लिए एटियोस गाड़ी कर ली, जिसमें पूरे 11 पॉइंट दिखाएंगे। अलग अलग प्राइस है हर एक पॉइंट के लिए। तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी यहाँ पर छोड़ दी है, और हम लोग ने टूरिज्म वाली गाड़ी ले लिया है, एटियोस की है, जिसमें 11 हम लोगों को व्यू पॉइंट्स दिखाएंगे वो, और उसके अलावा 800 का पैकेज है। तो अलग अलग पैकेज है, कोई बार्गेनिंग नहीं है। मुझे सबसे अच्छा यही लगा, फिक्स प्राइस है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए गाड़ी और लोगों के हिसाब से, व्यू पॉइंट के हिसाब से। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आरू वैली की तरफ। यहाँ का नेचर देखकर वाकई में मन खुश हो जाता है कि ईश्वर ने कितना भर भर की खूबसूरती दी है, स्पेशली पूरे ही कश्मीर को, और ये जगह तो फिर उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। हम लोग आरू वैली में एंटर कर चुके हैं, और यहाँ का रास्ता अदर रास्तों के कंपेयर टू सकरा है, जैसा कि ड्राइवर भैया ने हमें बताया। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो दो चार दिन से शायद बंद था, अब खुल गया जब हम लोग आए। तो जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा रास्ता यहाँ का काफ़ी सकरा है, कि एक आराम से वेट करना है, तब एक गाड़ी क्रॉस होगी, फिर जैसे हमारी गाड़ी अब आगे की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ के लिए स्पेशली मैं एडवाइस करूँगी कि आप खुद ड्राइव ना करें, क्योंकि अगर आप खुद ड्राइव करके आते हैं तो आपको आने देते हैं, तब आपको टूरिज्म का नहीं कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन आप वहाँ का ही जो लोकल ड्राइवर्स होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है, आप उनके साथ ही आइए, तभी आप सफ़र का लुत्फ़ ले पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस ड्राइवर ऐसे जगह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये दूर से देखिए, ये यहाँ से झरना भी बह रहा है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे व्यू पॉइंट्स हैं कि जिनको व्यू पॉइंट्स बनाया भी नहीं गया है, नेचुरली इतने सारे झरने मिल जाते हैं। सच बोलूँ तो मैंने इतनी खूबसूरती नेचर में कभी भी कहीं पर भी नहीं देखी है, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, और मैं बहुत ज़्यादा अंदर से हैप्पी हूँ। और मैं हर एक सीन को, हर एक नेचर की ब्यूटी को आप लोगों के लिए कैप्चर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए ताकि आप लोग भी उस चीज़ का पूरा आनंद ले पाएँ। और हमारे ड्राइवर भैया ने जैसे बताया कि यहीं पर रॉकस्टार के जो रणबीर कपूर का एक सॉन्ग है, उसकी शूटिंग भी हुई है। तो ऐसे ऐसे जगह पे लोग आके शूटिंग करके चले जाते हैं, तो ये है इस लाइक। अब हम लोग एंटर हो चुके हैं आरू वैली में, और आपको दिखाते हैं आरू वैली। हम लोग आ गए आरू वैली में, और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आप दो साधन से आ सकते हैं, घोड़े से या फिर कार से। कार से हम लोग आए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ घोड़े और सीन पूरा। ये देखिए पूरा दिखाती हूँ मैं आरू वैली। यहाँ छोटे छोटे स्कूल के बच्चे खेल रहे हैं, जूम करके दिखाती हूँ मैं। ये देखो ये स्कूल के बच्चे खेल रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पर पूरे हॉर्स,
अच्छा यहाँ पर भेलपुरी कैसे दे रहे भैया? 50 का मैडम। ओके नीचे कैसा रहेगा मैडम? अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे। आरू वैली पे आते ही पहले होगी पेट पूजा और उसके बाद होगा काम दूजा, तो यहाँ पर सब लोग भेलपूरी खाते हुए। ये कर्मा पिक्चर की शूटिंग भी यहीं पे हुई है, देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल। बारिश की बूंदें पड़ने लगी यहाँ पे, डेली डेली बारिश होती है, सब लोग बताते हैं हो ही जाती है। मौसम बहुत, क्या ये गोलगप्पे खा के देखें क्या कैसे लगते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर है हमारे यूपी के भाई लोग जो अपना ठेला लगाते हैं और लैया क्या भेलपुरी गोलगप्पे, और ये भैया अभी भागलपुर के जाने वाले और यहाँ पर आके लोग अपना लगा रहे हैं, तो काफी दूर यहाँ पे आके स्टॉल लगाते हैं। हाँ ये झरना यहाँ से बह रहा है, यहाँ से आप नेचर का साइट सीन व्यू ले सकते हैं, नेचर का व्यू ले सकते हैं। ये है ऊपर का पूरा व्यू और ओरिजिनल क्या कर्मा पिक्चर का घर जिसमें शूट हुई थी, यही है होटल है वैसे तो, ये इसको ही कन्वर्ट किया गया था घर में। इधर से देखा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं फोटो शूट थोड़ा सा, बस कैमरा है। तो यहाँ पर हमने फोटो खिंचाया है कबूतर के साथ मसक अली क्या रैबिट का, रैबिट की शक्ल तो दिखा दो कैसा है, बाल वाला देखने में। अरे शक्ल देख ले तो यार, कॉफी नहीं है यहाँ पे, तो कॉफी मिलती है बाकी नहीं। यहाँ पर आकर मन एकदम खुश हो जाता है और हर जगह बहुत ही खूबसूरती है, खूबसूरती ही खूबसूरती है। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तुरंत बारिश हो गई, तो मौसम काफी ठंडा हो चुका था हम लोग के यहाँ पहुँचने तक। स्पेशल चीज शॉल्स है, स्टोल्स है और कश्मीरी हम लोग हैं स्पेशल। आप लोग तो ले लेंगे क्या शॉल का, क्या है यहाँ पे शॉल दिखाइए, इससे कम वाला अगर चाहिए वो भी मिल जाए। तो यहाँ का बार्गेनिंग बहुत ज्यादा हर जगह करना पड़ रहा हम लोगों को। गोलू दीदी, ओ गोलू दीदी बादल देखना, ओ वाह सो ब्यूटीफुल। ये कश्मीर है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। इधर देखो, इधर चलो। तो यहाँ पर ले लिया फोटो वगैरह, अब जाना हो रहा है पार्किंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे चंदनवारी जाएंगे, अब हम लोग जा रहे हैं चंदनवन की तरफ। तो अब हम हैं ऑन द वे ऑफ चंदनवारी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है चंदनवारी। और जो ये पूरा हम आपको अगर कहें पहलगाम, जिसको कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड, इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और चंदनवारी का रास्ता बहुत अच्छे हैं, सड़कें भी काफ़ी चौड़ी हैं जो कि बन चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी थोड़ी सी रुक गई है, क्योंकि आगे वाली गाड़ी रुक गई तो थोड़ा सा पिकअप लेने में टाइम लगता है। अब यहाँ पर हो चुकी थी ऑलमोस्ट बारिश शुरू, और ये जो सीन है वो वाटर सीन है, बहुत ही खूबसूरत। मैंने आप लोगों के लिए हर संभव कोशिश की है कि मैं एक एक ब्यूटी को कैप्चर कर सकूं, तो उम्मीद कर रही हूँ कि मैंने अपनी कोशिश जो की है उसमें मुझे लग रहा है कि मैं सफल हुई हूँ काफ़ी हद तक। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं चंदनवाड़ी, वहीं पर आपको मिलते हैं। तो हम लोग हैं चंदनवाड़ी में और यहाँ पर इस समय बहुत बारिश हो रही है, हम लोग ने ले लिए हैं छाते। ओह माय गॉड, बिना छाते के यहाँ काम नहीं चलता। तो देख के चलना भाई बहनों, आगे बढ़ी। तो यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड हो गई है बारिश के कारण, तो आगे चलते नहीं बन रहा था। सबसे पहले भी जा रही है यहाँ पर कॉफी और कपड़े पूरे। तो ये है कांगड़ी, इसमें कोयला डालते हैं ना, और इसको ऐसे ऐसे करने के इसमें एक ये लगा होता है स्पून जैसा, स्पून जैसा, क्या कहते हैं उसको, इसको क्या कहते हैं, इसको तेंथा बोलते हैं, तेंथा। और इसको ऐसे अपने कपड़े के अंदर भी रख लेते हैं ना,
और गर्म बना रहता है ये देखिए। और इसे हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा और देखा है, आज देखा है रियल में। थैंक यू बेटा। लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर हमको भैया से मिल चुका है कंसेशन। तो ये बहुत अच्छी शॉप है, जब भी आप आए यहाँ पे जरूर आए। भैया क्या नाम है आपका? हाँ तो ये देखिए इस शॉप पे जरूर आए। ये देखिए ज़ियान रेस्टोरेंट, कम एंड विजिट हियर। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। और बारिश अब रुक चुकी है तो अब थोड़ा सा घूम लिया जाए। हाँ यहीं से रास्ता जाता है अमरनाथ जाने के लिए। और यहीं से एक गुफा जहाँ पे दर्शन करते हैं सब लोग अंदर जाके। ये इतनी हाइट पर ये CRPF के कैंप वगैरह सब लगे हैं। चंदनवारी में कई बारिश हो जाती है इसलिए अम्ब्रेला बेचने वाले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम लोग ने भी रेंटल अम्ब्रेलाज लिए थे जिसका कॉस्ट था पर पर्सन 200 रुपीज़ एक घंटे के लिए। लेकिन खैर हमसे उन्होंने 200 ही लिए, हमने पूरे टाइम यूज़ किया था उसका। यहाँ पे लोगों के लिए ऐसे टॉयलेट्स बना के रखे थे हाइट के ऊपर, अगर जिसको जाना टॉयलेट्स वगैरह। किनारे किनारे ये शॉप्स हैं। काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है आगे, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। और ये बेल टाइप का है, शो पीस बेल बेल विंचे विंचे। अच्छा विंचे, अच्छा हाँ ठीक है ना। वीडियो चालू, बिजनेस भी चलेगा? नहीं आपको मैं डाल दूंगी यूट्यूब। हाँ ठीक है भाई। लो जी भाई, लाइट नहीं है ना इधर, लाइट कम। आपका लाइट नहीं आ रहा ना, ऐसे आ जाइए। चलो तो ये है आपकी शॉप, शॉप का नाम बता दीजिए अपनी। हमारा नाम, शॉप का नाम है पीर गौहर अहमद कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट चंदनवाड़ी। हाँ तो अगर आप यहाँ घूमने आते हैं पहलगाम में चंदनवाड़ी, तो आप यहाँ पे आके बिल्कुल शॉपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है, कारीगर प्राइस है, यहाँ चीप रेट है, यहाँ शोरूम का दाम नहीं, यहाँ कारीगर का दाम है। तो बस हम लोग देख रहे हैं क्या क्या लेना है यहाँ से। जी आप लोग देख लीजिए मैम। ये देखिए ये इस तरह से चमक चुका है, इसमें वुडन का एक ऑयल आता है, ऑयल आता है चिंको, इसका नाम है चिंको ऑयल। हाँ तो ये लगाने से एकदम चमक जाता है, चमक जाते हैं ये। वो आगे वाला 150। हाँ जो बैंड तो ये कप और प्लेट है, ये अखरोट की लकड़ी का बना हुआ है, बना हुआ तो हम तो पहली बार देखा है। कॉफी पियो सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में, लकड़ी में खराब नहीं होता, क्वालिटी खराब नहीं होता बहन। ये एक पीस पे बनाते हैं हम लोग। अच्छा जी, ये कितने का है ये? जी बहन ये 600 रुपए एक पीस, एक पीस 600 रुपए का गिलास के साथ। अच्छा अच्छा पूछा था ये क्या था? ओहो कहाँ से रास्ता अमरनाथ का? अच्छा ये वाला रास्ता जो है ना, चलो नीचे चलो, ये अमरनाथ के लिए। निकल जाओ, और ये झरने तक नीचे जाने के स्ट्रगल करते हुए हम सब लोग। वाह तो ये चंदनवाड़ी, और जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं ये पूरी बर्फ है जो कि जमी हुई है ये ऊपर, और यहाँ से ये झरना निकल रहा है इस तरह से। ओह और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट करेंगे, और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं अपना वीडियो शूट करा रहे हैं। बह रहा है झरना तो हम लोग झरने की तरफ है, और यहाँ पर फोटो शूट हो रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। दीदी खड़ी है फोटो खींच रही है सबकी। यहाँ पर पहुँच कर हम लोग ने बहुत सारी मस्ती की, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। वी हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग्स, अपने पानी अपने ऊपर डालना और पानी के साथ खेलना, थोड़ा पानी के साथ ठंडा पानी होने के बावजूद भी। तो वी इंजॉयड अलॉट 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 हियर एंड क्लिक सम गुड पिक्चर्स आल्सो। हम लोग यहाँ पर है वुलन क्लोथ स्टोर पे, और देख रहे हैं कुछ वुलन के यहाँ का लोकल का सामान, लोकल वुल का सामान। ये इधर पे ये लोग भी कुछ देख रहे हैं। हम लोग शॉल ले रहे हैं, ये कौन सा चीज है? कौन सा ये कपड़ा क्या है? ये लेह लद्दाख का मटेरियल है। अच्छा ले लद्दाख की, लद्दाखी याक का मैडम। अच्छा ये याक का है? अच्छा तो ये याक का वुल है। श्री अमरनाथ जी बोट कैंप ऑफिस। अब हम लोग और नीचे उतर आए, अब जा रहे हैं बेताब वैली। हम आ चुके हैं बेताब वैली जहाँ पे बेताब पिक्चर की शूटिंग हुई थी। अंदर यहाँ पे टिकट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 100 रुपए का टिकट है। रियली रियली
अमेजिंग, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, अंदर आते ही मजा आ गया। और ये बहुत बड़ा है, अगर आप पैदल जाना चाहें तो जा सकते हैं, अदरवाइज हाथ गाड़ी चलती है और 300-400 पे कॉस्ट है, तो आप वो कर सकते हैं। बार्गेनिंग होती है, ध्यान रखिएगा, जैसे ये जा रही है हाथ गाड़ी इस टाइप की ही। और यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं कुछ प्यारे प्यारे से जो लोकेशन हैं वो कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। और पीछे लोग रुकते हैं चाय वाय पीने के लिए, ये है पीछे बना हुआ। तो यहाँ पर हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, एक पुल टाइप का है उसको क्रॉस करेंगे, नदी है उसको क्रॉस करके आगे जाएंगे, और बहुत सारे पार्क हैं, इंडिया का लास्ट गांव भी यहाँ पे है, काफ़ी अच्छे साइट सीन्स भी हैं, ब्यूटी ब्यूटी है ऑलमोस्ट कहेंगे। ये पीछे से इस पुल को क्रॉस करके नीचे आते हैं, फिर बहुत सारे गार्डन्स मिलेंगे आपको। ये लोकेशन बहुत सुंदर है, और चंदनवाड़ी का ये सबसे खूबसूरत पॉइंट है बेताब वैली। पूरा कश्मीर वैसे तो बहुत खूबसूरत है, और उसमें पहलगाम के कहने ही क्या, और यहाँ के नज़ारे मैंने अपनी लाइफ में कुदरत के कभी नहीं देखे ऐसे नज़ारे जैसे मैंने यहाँ देखे हैं। तो मुझे बस फिरदौस की एक ही बात याद आती है, बर रुए ज़मी अस हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, यानी धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, इसलिए इसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को। और मैं फिर नेक्स्ट टॉक में मिलती हूँ आपसे, और कश्मीर की बातें करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।